मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज तरुण पाल गांधी और आज हम देखेंगे कि क्या सिखाती है हमें महाभारत। महाभारत की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारे लेसन हमें मिल सकते हैं महाभारत की कहानी से, क्योंकि महाभारत के अंदर इतनी सारी चीजें घटित हुई हैं, इतनी सारी घटनाएं घटित हुई हैं कि वहां से मैनेजमेंट के, मोटिवेशन के बहुत सारे सूत्र निकलते हैं जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा अंत तक और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए आप सभी लोगों के लिए। विलिंग मंत्रास फ्रॉम द महाभारत। लेकिन महाभारत के मंत्रास को जानने से पहले महाभारत को जान लेना जरूरी है। महाभारत इज द सेकेंड लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट एपिक है महाभारत। व्हाट इज नॉट इन भारत इज नॉट इन भारत, भारत में जो नहीं है वो भारत में नहीं है। ये बफेट ऑफ आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजिस्ट की एक ये बफेट है। बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं इसके अंदर, अलग अलग तरीके की सोच वाले लोग हैं बहुत सारे यहाँ पर। रिटन अराउंड 3000 BC, 3000 BC के आसपास ये लिखी गई थी। हड़प्पन कल्चर से ये रिलेटेड है और अर्बन वे सिखाती है हमें जीने का। इसको 3 बार नरेट किया गया है। सबसे पहले जया नाम से इसको नरेट किया गया, व्यास ने गणेश गणेश जी को बताया। फिर भारता नाम से वैश्यपायन ने जनमेजया को बताया और फिर महाभारत नाम से सुता ने ऋषि निमिषारण्य को बताया। अब इसमें अगर देखें तो बहुत सारी रिविलेशंस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, जिन फैक्ट्स के बारे में हम आज सोच सकते हैं उन फैक्ट्स के बारे में इतने साल पहले 3000 BC में बता दिया गया था थ्रू महाभारत। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूरेनस एंड नेपच्यून ये बता दिया गया था इन महाभारत। ज्योग्राफी की बात करें तो लैंड्स एज फार एज कंबोडिया, कजाकिस्तान एंड स्कैंडिनेविया, इन सभी जगहों के बारे में जिक्र मिलता है महाभारता में। मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर जो है उसकी रेंज बताई गई है यहाँ पर, जिसमें 10 रेज टू पावर्स ऑफ 16 टू -16 तक का जिक्र है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेपन्स विच रिसेम्बल मॉडर्न डे वेपनरी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एंड और केमिकल वेपन्स। अगर हम बात करें वेपन्स की तो वहां पर ब्रह्मास्त्र जैसे बड़े बड़े वेपन्स के बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है, जिन वेपन्स की खोज आज के समय में की जा रही है। कॉम्प्लेक्स मिलिट्री फॉर्मेशंस एंड स्ट्रेटजी, अलग अलग तरीके की मिलिट्री फॉर्मेशंस के बारे में यहाँ जिक्र मिलता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो चक्रव्यूह के बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है कि किस तरीके से एक चक्रव्यूह रचा गया था और उस चक्रव्यूह के अंदर फंसा करके अभिमन्यु को मारा गया था। फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स और इवन मैनेजमेंट के भी बहुत सारे लेसन हमें महाभारत से सीखने को मिलते हैं। तो ये आप मैप देख सकते हैं, इन 3000 BC भारत का ये नक्शा दे रखा है, भारत का मैप दे रखा है। तो भारत की सीमाएं देख सकते हैं आप, कितनी लंबी जगह तक, कितनी लंबी दूरी तक फैली हुई है। ये पूरे का पूरा महाभारत के समय में भारत होता था, हमारा देश होता था, इंडिया होता था। बात करें लॉजिस्टिक्स की तो कौरवास के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, वहीं पांडवास के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन उसके बावजूद पांडव जो हैं वो जीते लेकिन कौरव हारे। लेकिन अब एक अक्षौहिणी सेना की बात करें तो इसके अंदर 21,870 घुड़सवार, 21,870 एलिफेंट्स, 65,610 घोड़े और 109,350 फुट सोल्जर्स होते थे, जो कि रेशियो में होते थे 1:1:3:5 की रेशियो में। अगर जनरल बात करें तो कौरवाज में भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े महान आप कह सकते हैं कि योद्धा हुआ करते थे। वहीं पांडवास की अगर बात करें तो अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, घटोत्कच, शिखंडी, सत्यकी जैसे बड़े बड़े महान महारथी हुआ करते थे उनकी सेना के अंदर। पांडवास की अगर बात करें तो पांडवास को बेचारों को 13 साल तक एग्जाइल में रहना पड़ा था, उनके पास कोई किंगडम नहीं था। उनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर की, वो डिपेंड करती थी उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पे, जो कि थे द पंचाल, द यादवास, द मगधास एंड द छेदीस। वहीं कौरवों की अगर बात करें तो कौरव 13 साल लगातार दुर्योधन जो है वो राजा रहा। और अगर बात करें पांडवास की, तो
पांडवास को पक्ष में नहीं था वो किसी भी तरीके से राज्य देने के, वो खुद राज्य करना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसने करण को नेशन वाइड कंक्वरिंग मिशन पे भेजा और जगह जगह जा करके करण ने अलग अलग राजाओं के मुकुट इकट्ठे किए और वो सारे के सारे मुकुट भेंट किए यहाँ पर दुर्योधन को। तो दुर्योधन एक बहुत ही महान उस समय पर राजा बन गया था उन 13 सालों में, क्योंकि उसने जितने भी राजा होते थे उसके आसपास उन सभी राजाओं को वो हरा चुका था। किसकी किसके माध्यम से? कर्ण के माध्यम से। अब मोटिवेशन की बात करें तो क्या मोटिवेशन थी कौरवास के लिए? विदाउट वार विल कंसीड नॉट इन निडल ब्रेक ऑफ अर्थ। दुर्योधन का ये मानना था कि बिना वॉर के आपको एक इंच भी जमीन नहीं मिल सकती। दुर्योधन वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द वॉर। इट वाज हिज मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ही हैड अजर्व्ड ए किंगडम एंड ही मीन टू कीप इट। ही हैड रिजोर्टेड टू एनी मींस फाउल और फेयर टू गेट द किंगडम व्हिच ही बिलीव टू बी राइटफुली His and he was in no mood to give it up. तो वो अपना राज्य समझता था सारा, और उस राज्य को किसी भी कीमत पे वो गवाना नहीं चाहता था। बाय हुक और बाय क्रुक वो उस राज्य के ऊपर राज करना चाहता था। We fight over a kingdom as dogs over a piece of meat. ये मानना था युधिष्ठर का, जो कि पांडवास का राजा था, पांडवों में सबसे बड़ा पुत्र पांडव का, पांडव भाइयों में सबसे बड़ा भाई युधिष्ठर। उसका मानना था कि ये जो छोटा सा किंगडम है इसके लिए हम कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, क्या है ये, जैसे एक पीस ऑफ मीट हो। द पांडवास हैड बीन ह्यूमिलिएटेड, देयर वाइफ इंसल्टेड, देयर किंगडम टेकन, बट स्टिल दे वांटेड टू अवॉइड द वॉर। पांडवास के साथ में बहुत बुरा हुआ, उनकी वाइफ को इंसल्ट किया गया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनका राज्य छीन लिया गया, लेकिन फिर भी वो वॉर नहीं चाहते थे, वो वॉर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। They even went as far as making an offer that they will stop the war in exchange of 5 villages. यहाँ तक कि उन्होंने श्री कृष्ण को भी भेजा दुर्योधन के पास कि तुम सिर्फ 5 गांव हमें दे दो, हम फिर भी तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। इतना शांति चाहते थे अपनी लाइफ के अंदर पांडवास। रिजल्ट क्या हुआ? 18 दिन तक वॉर चली, 10 दिन तक प्रतिनिधि जो थे उस वॉर के कौरवास की तरफ से वो रहे भीष्म, फिर 3 दिन द्रोण और 1.5 दिन कर्ण और आधे दिन कोई जनरल नहीं था और 1 दिन शल्य, 1 दिन अश्वत्थामा, एक रात को उनका जो सेनाध्यक्ष था वो रहा। और 18 दिन जो है ये युद्ध लगातार चला। 18वें दिन की रात को अश्वत्थामा ने पांडव के कैंप में आक्रमण कर दिया और पांडव के 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार दिया। बिफोर दैट कौरवास में भीष्म, द्रोण, कर्ण, उनके पुत्र शल्य, भागदत्ता, भूरिसर्वा, सुशर्मा, जयद्रथ, दुशासन एंड ऑल ऑफ द दुर्योधन्स ब्रदर्स शकुनी एंड उलूका वर किल्ड बाय द पांडवास। पांडवास में द्रुपद, विराट एंड हिज सन्स, अभिमन्यु, घटोत्कच और इरावन, इन सबको मार दिया गया था कौरवों द्वारा। सो हाउ डिड द पांडवास विन? पांडव जीते जब इतना सारा उनको नुकसान हुआ, कौरवों को इतना सारा नुकसान हुआ, तो आखिर जीत कैसे हुई? करण वेंट ऑन कंट्री वाइल्ड मिलिट्री मिशन, सबड्यूस्ड द डिफरेंट किंगडम्स एंड एक्वायर्ड वेल्थ, बट इट मींस ए लॉस इन टर्म्स ऑफ बोथ मेन एंड मनी एंड क्रिएशन ऑफ न्यू एनिमीज। करण जो है वर्ल्ड वाइड मिलिट्री मिशन पे गया, वहां पर उसने अलग अलग राज्यों पे हमला किया, वहां के राजाओं को झुकाने का प्रयास किया, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हुई और बहुत ज्यादा दुश्मन कौरवों ने अपने लिए यहाँ पर पाल लिए। वहीं पांडवों ने इसका उल्टा किया, वो एग्जाइल में थे। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने दिव्यास्त्र जो है उनको प्राप्त करने का प्रयास किया। भीम मेट हिज ब्रदर हनुमान एंड गॉट ए ब्लेसिंग ऑफ एनहांस स्ट्रेंथ। युधिष्ठर एक्वायर्ड टीचिंग फ्रॉम द वेरियस वाइज ऋषिज एंड ऑल्सो लर्न द गेम ऑफ डाइस फ्रॉम गंधर्वास छत्रसेना, लेस्ट ही वॉज चैलेंज टू येट अनदर डाइस गेम। इट इज सेड दैट ही हैड बिकम अनडिफिटेबल इन डाइस। यानी कि यहाँ पर डाइस में युधिष्ठर ने ट्रेनिंग ली चोसर का खेल खेलने में, और ये माना जाता है कि उसके बाद चोसर के गेम में कोई भी यहाँ युधिष्ठर को हरा नहीं सकता था।
इतनी सारी तैयारी की पांडवाज ने, और कौरवाज ने अपनी जो एनर्जी थी, अपना जो पैसा था, वो वेस्ट किया। और उनकी ये जो वीकनेस थी पांडवास की, कि उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला। वैसे ही आप अपने जीवन में अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। और ये सीख, प्रिपरेशन की अगर सीख की देखी जाए तो हमें मिलती है कि किस तरीके से अपनी वीकनेसेस को हम लोगों को इकट्ठा कर, एकजुट कर, अपने साथ जोड़कर अपनी वीकनेस को किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। एलाइज की बात करें तो कोरवास के बहुत सारे एलाइज थे। सेंट्रलाइज पावर सिस्टम था, द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ ऑल द टाइम, बट नॉट मैनी पावरफुल एलाइज। कुछ ज्यादा पावरफुल एलाइज नहीं थे, एलाइज थे लेकिन ज्यादा पावरफुल एलाइज नहीं थे। एक्सेप्ट फ्रॉम ओल्ड रिलेशंस फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस लाइक गंधार से शकुनी, सिंधु से जयद्रथ एंड कंबोडिया से कंबोजा, बागदत, ये इनके एलाइज हुआ करते थे। लेकिन पांडवास के पास कुछ नहीं था, नो पावर, नो वेल्थ ऑफ देयर ओन, बट पावरफुल एलाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पंचाल को अपने साथ इन्होंने जोड़ा द्रौपदी की मैरिज करके, द्वारकाधीश जो है उनकी बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन की शादी करके उनको अपने साथ जोड़ा, मगध में सहदेव की शादी करके विजया के साथ में मगध को अपने साथ जोड़ा, छेदी को अपने साथ जोड़ा नकली की शादी करेन माई से करके, काशी को अपने साथ जोड़ा भीम की बलंधरा से मैरिज करके, कैकेयी को अपने साथ जोड़ा मैरिज करके युधिष्ठिर की देविका के साथ, मत्स्य को मैं अपने साथ जोड़ा अभिमन्यु और उत्तरा की मैरिज करके, राक्षसास थ्रू मैरिज ऑफ भीम एंड हिडिंबा, भीम और हिडिंबा की मैरिज करके राक्षस को भी अपने साथ जोड़ा, द नागास थ्रू मैरिज ऑफ अर्जुना एंड उलूपी, और नागास को अपने साथ जोड़ा अर्जुन की उलूपी के साथ शादी करके। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे अलाइज बनाए और कुछ पावर ना होने के बावजूद भी पावर इकट्ठी की और पावरफुल बने। लीडरशिप लेसन की अगर हम बात करें तो कौरवास से हमें क्या लीडरशिप लेसन मिलता है और पांडवास से हमें क्या लीडरशिप लेसन मिलता है, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ जिक्र है कि कौरवास, उनकी सेंट्रलाइज लीडरशिप थी, एक हेड था आर्मी का एक टाइम पर, हु हैज सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ 11 अक्षौहिणी ऑफ आर्मी, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और अश्वत्थामा, ये सब इनके सेंट्रलाइज लीडरशिप में रहे। इन्होंने लीडरशिप की कमान संभाली और पूरी की पूरी सेना इन्हीं के अंतर्गत थी। एक टाइम पर एक ही यहाँ पर सेनापति था, लेकिन पांडवों ने अथॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, लीडरशिप को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन्होंने 7 कमांडर बनाए, 7 डिवीजन के, हर एक अक्षौहिणी का एक कमांडो कमांडर उन्होंने बनाया। विराट को किंग ऑफ मत्स्य, द्रुपद किंग ऑफ पंचाल, सहदेव किंग ऑफ मगध, धृष्टकेतु किंग ऑफ छेदी, सत्यकी ओनली वॉरियर फ्रॉम द्वारका, शिखंडी प्रिंस ऑफ पंचाल, इन सभी 7ों योद्धाओं को इन्होंने 7 अलग-अलग सेनाओं का, अक्षौहिणी सेनाओं का राजा बनाया और कमांडर इन चीफ बनाया धृष्टद्युम्न को। और अर्जुन जो था वो सुप्रीम कमांडर था, कृष्ण जो था अर्जुन का कैरियर था एंड काउंसलर था। कृष्ण जी ने इन अर्जुन को बहुत जगह पे काउंसिल किया, जिसका एक जीता जागता प्रूफ हम देख सकते हैं गीता के थ्रू, श्रीमद् भगवद गीता में, किस तरीके से जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता है उस टाइम पर कृष्ण उसका उत्साह बढ़ाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। तो इससे हमें लेसन मिलता है कि एक आदमी सारे के सारे काम नहीं कर सकता। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देंगे, अथॉरिटी शेयर कर देंगे, तो आप एक काम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टीम स्पिरिट की बात करें तो कोरवाज में कोई टीम स्पिरिट नहीं थी। दे फॉर ऑल फॉर देयर इंडिविजुअल वॉर, सभी अपनी खुद की इंडिविजुअल वॉर यहाँ पर लड़ रहे थे। भीष्म लड़ रहे थे ताकि वो हस्तिनापुर को बचा सके, द्रोण और कृपाचार्य लड़ रहे थे बिकॉज उन्होंने एक उनके ऊपर एक कर्ज था हस्तिनापुर का, शल्य लड़ रहा था बिकॉज सिंपली चीटेड बाय दुर्योधना टू बी देयर, वॉज ओरिजिनली ये पांडव एलाय, ओरिजिनली वो पांडव एलाय था, लेकिन धोखे से दुर्योधन ने अपने साथ उसको मिला लिया। जब एक बार वो मिल गया तो उसने कर्ण को बार बार मेंटली टॉर्चर करके कर्ण को परेशान किया। कर्ण का शल्य वहां पर रथ चलाते हुए सारथी बना और उसने लगातार कर्ण को वहां पर डिमोटिवेट किया टू प्रूव हिज मेंटल अगेंस्ट अर्जुना
फ्रेंडशिप फॉर दुर्योधना, कर्ण भी वहां पर लड़ा जस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट ही इज सुपीरियर, ही इज अ बेटर फाइटर देन अर्जुन. दे डिडंट गेट वेल विद ईच अदर. भीष्म एंड कर्ण इनकी आपस में लड़ाई थी, भीष्म और शकुनी की आपस में लड़ाई थी, कर्ण और शकुनी की आपस में लड़ाई थी, कर्ण और शल्य की आपस में लड़ाई थी, शल्य और भीष्म की आपस में लड़ाई थी, लेकिन इट वॉज लाइक ए बीज हॉर्नेट एंड मॉस्किटोज पुट टुगेदर इन ए जार. जैसे कि एक जार के अंदर ऐसे अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़ों को बंद कर दिया जाता है. वही पांडवास जो थी वो एक टीम थी, उनका एक ही गोल था. एज मैन दे ऑल हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर कृष्ण एंड युधिष्ठर. While as warriors, they were in complete awe of Bhim and Arjun. Most of them were close relatives, cousins, brother-in-laws, father-in-laws. More than that, they all were part of the decision-making process. It was their common war. तो ये पांडवास की कॉमन वॉर थी. टीम वर्क से उन्होंने काम किया और उनको सक्सेस हासिल हुई. 7 अक्षौहिणी सेना होने के बावजूद उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना को हराया और बहुत बड़े बड़े जो महान आप कह सकते हैं सेनापति रहे, महान योद्धा रहे, उन सबको यहाँ पर हराया. ज्यादा लॉस ना बियर करते हुए यहाँ पर पांडवाज ने. तो अगर हम बात करें टीम स्पिरिट की, तो टीम स्पिरिट से, टीम वर्क से हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं. टीम वर्क सक्सीड्स वेयर इंडिविजुअल एफर्ट फेल्स. इंडिविजुअल मोटिव्स की बात करें तो कौरवों में सभी के इंडिविजुअल मोटिव्स थे. दुर्योधन के अलावा कोई भी वार नहीं चाहता था, लेकिन उनके अपने अपने मोटिव्स थे. लाइक भीष्म की बात करें, ही वोंट किल द पांडवास. ने साफ बोल दिया था कि मैं पांडवास को नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ सोल्जर्स को मारूंगा और 1000 सोल्जर्स को डेली मारूंगा. द्रोण का कहना था कि वो पांडवास को किल नहीं करेंगे बिकॉज वो उनके स्टूडेंट्स हैं. शल्य का कहना था क्योंकि नकुल और सहदेव के वो मामा थे इसलिए वो उनको नहीं मारेंगे, लेकिन उन्होंने हेल्प की इनडायरेक्टली पांडवास की क्योंकि उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया, ह्यूमिलिएट किया करण को. करण का मानना था, वो हालांकि पांडवास का ब्रदर था, उसने प्रॉमिस किया था अपनी माँ कुंती को कि वो उसके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, वो किसी भी पांडव को नहीं मारेगा. पांडवास जो है उनका कॉमन गोल था, बट द इंडिविजुअल्स हैड देयर इंडिविजुअल टारगेट्स. उनके भी इंडिविजुअल टारगेट थे, लेकिन लाइक दृष्टद्युमन द्रोण को मारना चाहता था, शिखंडी भीष्म को मारना चाहता था, सत्यकी भौरिसुरास को मारना चाहता था, अर्जुन कर्ण को मारना चाहता था, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को मारना चाहता था, सहदेव शकुनी और उसके बच्चों को मारना चाहता था, नकुल कर्णा के कर्ण के बच्चों को मारना चाहता था. लेकिन द राइट टीम इज मेड बाय सिलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल, गेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब. ये सीख हमें यहाँ पर मिलती है क्योंकि सही काम के लिए सही इंसान को यहाँ पर चुना गया पांडवास द्वारा, और सही उनका टारगेट था और उस टारगेट पे काम करते हुए उन्होंने अंत में जीत हासिल की. कमिटमेंट्स की बात करें तो कौरव जो है ऑलरेडी सेड द बिग फोर हैड बिग इमोशनल अटैचमेंट विद द 5 पांडवास. जो कौरव सेना के 5-4 बड़े महारथी थे उनकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी पांडवास के साथ. लाइक भीष्म ऑब्वियसली इनके भी दादा लगते थे और पांडवास के भी दादा लगते थे, तो कहीं ना कहीं वो पांडवास को नहीं मार सकते थे. द्रोण गुरु कौरवों के भी थे, पांडवों के भी थे. करण जो है वो युधिष्ठिर को मारना नहीं चाहता था, भीम को मारना नहीं चाहता था, हालांकि उसको चांस मिला उन दोनों को मारने का, लेकिन वो उसके दोनों भाई थे ये बात वो जानता था इसलिए वो उनको नहीं मारना चाहता था. यहाँ तक कि जब भीम दुशासन को मार रहा था उस समय भी करण दुशासन को बचा सकता था, लेकिन भीम को दुशासन को मारने से करण ने नहीं रोका. शल्य जो है उसने लगातार इंसल्ट की करण की, करण को डीमोटिवेट किया, ह्यूमिलिएट किया. और पांडवास की अगर बात करें तो अभिमन्यु एक 16 साल का बच्चा, उसने एनिमीज के अंदर घुसकर अपने शत्रुओं की सेना के अंदर घुसकर सुसाइड मिशन पर जा करके वहां पर 7 महारथी जो थे उनसे अकेले लड़ते हुए अपने प्राण दिए. वहां पर उसने एक मिसाल सेट की सभी के सभी लोगों के लिए जो भी पांडव सेना के अंदर थे. घटोत्कच मरते हुए भी आधे से ज्यादा जो सेना थी उसको मारते हुए गया. कृष्णा टुक अप आर्म ट्वाइस एंड ऑलमोस्ट एंटर्ड द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज प्रॉमिस ओनली टू बी स्टॉप्ड बाय अर्जुना. लेकिन अगर बात करें कमिटमेंट की तो द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड नेवर
एक्सीड द टीम इंटरेस्ट, और यहाँ पर इनका टीम इंटरेस्ट था कि किसी भी तरीके से कोरवास को हराया जाए, और इन्होंने कोरवास को हराया। तो अपनी कमिटमेंट यहाँ पर उन्होंने पूरी की। द बेस्ट मैन फॉर ए जॉब इज नॉट द वन विद द बेस्ट कैपेबिलिटीज बट वन विद द ग्रेटेस्ट कमिटमेंट। और एक जॉब के ऊपर जिसके अंदर ग्रेटेस्ट कमिटमेंट है वो ज्यादा बेटर रहता है, न कि वो इंसान जिसको वो काम ज्यादा अच्छे से करना आता है। जिसके अंदर ज्यादा कमिटमेंट है वो अच्छे से वो काम कर सकता है। राइट मैनेजर्स की बात करें तो हम कृष्णा द ग्रेटेस्ट क्राइसिस मैनेजर द वर्ल्ड हैज सीन, युधिष्ठर लोकी स्ट्रेटेजिस्ट, वन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर ही प्लेड ए मास्टर गेम, ही वेंट ओवर द एनिमी साइड टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एल्डर्स, इन रियलिटी ही मेड ए कोवर्ट डील विद देम वेयर इन ऑल ऑफ देम एग्रीड टू हेल्प हिम एंड अनफोल्डेड द सीक्रेट्स ऑफ डिफीटिंग देम। वहां पर जितने भी महारथी थे जिनके आशीर्वाद लेने के लिए युधिष्ठिर गए थे, उन्होंने बताया कि उनको किस तरीके से मारा जा सकता है, किस तरीके से हराया जा सकता है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था यहाँ पर युधिष्ठिर के द्वारा। व्हाइल कमिंग बैक ही टुक ए कैलकुलेटेड रिस्क, वापिस आते वक्त भी एक रिस्क लिया उन्होंने। ही मेड एन ऑफर टू ऑल द असेंबल्ड पीपल टू चेंज साइड्स इफ दे वांटेड टू, ही न्यू वेल ऑफ द लैक ऑफ कोहेसिवनेस अमंग द कौरवास। और कौरवों का एक भाई युयुत्सु जो कि धृतराष्ट्र का बेटा था, उसने पांडवों की साइड ली, कौरवों को छोड़ दिया। दिस एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द कौरवास फॉर ऑल टू सी। तो इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने एनिमी की वीकनेसेस के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। नो योर एनिमीज वीकनेसेस टू एक्सप्लॉइट देम, टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड इंस्पायर इनवाइगोरेट काउंसल योर ओन टीम इन मोमेंट्स ऑफ नीड। रूट्स की अगर हम बात करें तो कौरवास जो थे प्रिंसेस ब्रॉट अप इन द कंफर्ट ऑफ द रॉयल पैलेस, मैच्योर्ड ऑन रोमांटिसाइज्ड आइडियल ऑफ प्लेस, फ्रेम्ड करेज एंड वैलर, नो एक्सपीरियंस ऑफ ग्राउंड रियलिटी, इनको ग्राउंड रियलिटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वेयर एज पांडवास स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन पुअर्टी, चाइल्डहुड इन द हिमालयन फुट हिल अमंग ऋषिज, वन ईयर एग्जाइल अमंग द पुअर पीपल ऑफ कुरु पंचाल, 12 ईयर ऑफ वनवास एंड वन ईयर ऑफ अज्ञातवास, एक्सपीरियंस विद द ग्राउंड रियलिटी, कॉन्टेक्ट विद पीपल फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, सन्यासी आचार्यास पुअर ब्राह्मण्स लोअर क्लास पोर्टर, सभी से इनके लिंक थे, इनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता था। इनके डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल के साथ में लाइक राक्षसा, गंधर्वास, अप्सराज, नागास, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स लाइक उत्तर कुरु बंगाल एटसेट्रा, इनके लिंक थे। ए सेंस ऑफ शेयरिंग इनके अंदर थी, ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड इनके अंदर था। इसलिए कहा जाता है कि आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से शेयर करके आप आगे बढ़ सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कोरवास की साइड में बहुत बड़े बड़े योद्धास थे, जो एक कमी थी कौरवों की साइड में वो ये थी कि कौरवों की तरफ से कोई भी फीमेल उनकी तरफ नहीं थी। कभी भी फीमेल्स जो कौरवों की साइड थे उन्होंने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। गंधारी ने हालांकि समझाने की बहुत कोशिश की, कई बार अपने सजेशंस देने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी वुमेन सजेशन इन्वॉल्व नहीं था। वहीं पांडवाज में कुंती की बात सभी मानते थे, उनके लिए धर्म था जो भी कुंती कहती थी। द्रौपदी जो थी वो एक अच्छी कंपेनियन थी, वो टाइम टाइम पर उन सभी लोगों को यहाँ पर सलाह देती थी। इवन जो यंगर पांडवास थे लाइक घटोत्कच, अभिमन्यु, हीरावन, और उनको उनकी मदर ने ही भेजा कि जाओ युद्ध में अपने पिताओं का साथ दो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फीमेल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पांडवास की तरफ से, जिसकी वजह से, जिसके कारण से यहाँ पर अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीजें मैनेज की। और टेक्निकली देखा जाए तो उनकी जीत का श्रेय भी कहीं ना कहीं वुमेन को जाता है। वुमेन इज इक्वल टू बेटर हाफ, एनी टीम विच डजंट हैव वुमेन इज अनबैलेंस्ड, फॉर द मस्कुलाइन ट्रेड्स ऑफ एग्रेशन एंड डोमिनेंस शुड बी बैलेंस्ड बाय द फेमिनाइन ट्रेड्स ऑफ हार्मनी एंड सस्टेनेंस। यहाँ पर वुमेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है किसी भी इंसान की लाइफ में।
इसलिए कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। अगर हम रिकैप की बात करें, आज हमने क्या सीखा है यहाँ पर महाभारत से, हमने सबसे पहली चीज सीखी कि हमें अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलना है, और जो हमारे एनिमीज हैं कोशिश हमें करनी है कि हम एनिमी ना बना करके एलाइज बनाए, एनिमीज को एलाइज के अंदर कन्वर्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें, टीम वर्क जो है उसको ऊपर रखें, टीम का जो मोटिव है उसको ऊपर रखें, इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाते हुए इंडिविजुअल मोटिव से ऊपर रखें। राइट टीम इज इक्वल टू राइट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये हमने सीखा। कमिटमेंट स्कोर्स ओवर कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट जो है वो कॉम्पिटेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीम इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। हमें अपने एनिमी, अपने चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, उनकी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकें, और हमें कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा लेते रहना चाहिए। द राइट मैनेजर्स टू सिंपली इनवाइगोरेट काउंसिल इन क्राइसिस, राइट मैनेजर्स जो है हमें चाहिए हमेशा। नो ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज के बारे में हमें हमेशा पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। एक्सेप्ट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, उनके आइडियोलॉजीज को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनके सजेशंस को इन पॉजिटिव वे हमें यूटिलाइज करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंपनी। एम्पावर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमें यहाँ पर जरूर करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आप लोगों के लिए, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि महाभारत से हमें क्या सीखने को मिलता है। प्लीज शेयर विद योर नियर एंड डियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।